चैनल जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ टू चूज वॉल आर्ट। दीवारों पे जो हम लोग आर्ट लगाते हैं उसको किस तरह से चूज करते हैं। मैंने पहले वीडियोस में भी आपसे बात कहा है कि जो पसंद आता है उसी को आप लीजिए, जो आपको खुश करता है वही टाइप का आर्ट वो खरीदना चाहिए। बट वॉट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर इज एनी टाइम जो एक ओवर साइज वॉल आर्ट होती है दैट बिकम्स लाइक अ फोकल पॉइंट इन योर हाउस। तो अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो एक बड़ा लाइफ साइज, मतलब लाइफ साइज से बड़ी जो पेंटिंग होती है 5 feet by 6 feet या 8 feet by 7 feet, यू नो ऐसी ह्यूज पेंटिंग आप खरीद सकते हैं एंड इट विल बी लाइक एन इन्वेस्टमेंट पीस फॉर यू। एंड जनरली हम जब आर्ट वर्क खरीदते हैं तो हमें सोफा के ऊपर लगाना पसंद आता है। यू शुड फॉलो वन रूल दैट टाइम कि उसकी जो लेंथ होती है वो आपके सोफा के 2/3 लेंथ से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो वो बहुत ही बैलेंस दिखता है। अनदर रूल वर्ड जो शुड फॉलो इज कि जब भी हम किसी टेबल टॉप या सोफा के ऊपर पेंटिंग लगाते हैं तो फ्रॉम दैट सर्फेस इट शुड बी 6 inches, उसमें 6 inch जगह छोड़ के आप कोई भी आर्ट वर्क हैंग करेंगे तो वो डेफिनेटली अच्छा ही लगेगा। What you can also do is buy artworks in set. हाँ, sets में खरीदिए क्योंकि कभी कभी छोटे साइज के artworks अच्छे नहीं लगते हैं, तो आपने sets खरीदने चाहिए। You can buy sets of 3s or you can जो miniature paintings आती है, छोटे छोटे frame आते हैं 6 inches के, वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। But when you are doing this, you should remember कि जो artist होता है वो एक ही होना चाहिए। जब हम एक ही artist के artworks group करते हैं ना तो वो ज्यादा सुंदर लगते हैं। When you mix different artists together, उसमें इतना मजा नहीं आता है और वो आर्ट को इतना जस्टिस भी नहीं मिलता है। वॉट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर इज कि जब पूरे एक रूम में हम आर्टवर्क लगा रहे हो तो सिर्फ पेंटिंग्स मत लगाइए। वॉल आर्ट में मेटल आर्टवर्क्स आते हैं, उसमें वुडन स्कल्पचर्स भी आते हैं जो दीवार पे लगते हैं। सो यू शुड ऑलवेज मेक अ बैलेंस ऑफ मेटल मिक्सड मीडिया। यू शुड ऑल्सो यूज लाइक 3D आर्टवर्क्स। सो इसका मिक्स आप कीजिए तो एक अच्छा इंटरेस्ट तैयार हो जाता है रूम में। And if you are in doubt, you should use black and white paintings because black and white paintings look very chic, बहुत ही elegant दिखते हैं। तो अगर आपको confusion है कि मैं कैसे artwork लगाऊं, तो use black and white artwork, it is wonderful. अगर आप थोड़ा exciting, vibrant artwork चाहते हैं तो आप definitely neon colors में artwork use कीजिए, it looks mind blowing, बहुत ही अच्छा दिखता है। खास करके बच्चों के room में बहुत अच्छा दिखता है, अगर आपकी office है तो वहां पर भी थोड़ी energy create हो जाती है with neon colors. So that is very nice. You should also remember when you are selecting a wall art, uski jo base color hoti hai, one of the background colors should be matching to your wall color, then it looks very beautiful. Agar aap painting use kar rahe hai pure interiors ko together tie up karne ke liye, not like a focal point also, to aapne dhyan rakhna chahiye kuch to colors usme reflect hone chahiye. Jaise coffee table ke upar aapne ek vase rakha hai to uska color usme reflect ho jayega, to wo bahut hi khoobsurat setting sa lagta hai wahan par. You can also tie the artwork together with lines or style. अगर आप कोई artwork select कर रहे हो तो अगर आपका theme minimalist है, simple है, तो simple geometric painting भी अच्छी लगती है। तो ये points को आप definitely याद रखिए, आपके दीवारों को सजाइए, आपको घर को सुंदर बनाइए और हमें जरूर याद रखिए, remember to follow us, subscribe to our channel and share, follow our blogs as well. I will see you soon. Bye bye.